तुम तो एक बालक हुए ने बैठा बह रहे। हाँ जितने जे पीरे पीरे मुछन वारे हैं जे तो एक बालक हुए ने बैठा बह रहे तो वे अंगूचा पसीना पहुंच वे गुपे रवाएगा है। हाँ सभी को बिठा लो। और सभी थोड़ा थोड़ा पीछे को हो जाए आइए। और ये जो आगे जितने जो कैमरा मैन लगे पड़े हैं तो पीछे को जाओ थोड़े 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 सभी पीछे को हो जाए। और ये जितने जो लोग खड़े हैं वो सभी बैठ जा। हाँ अगर बैठ करके प्रोग्राम कथा को सुनोगे तो बड़ा ही आनंद आएगा और अगर सभी उठ के ठाड़े आ जाओगे तो नहीं कुछ नहीं आ पाएगा। हाँ खोल दो इसे खोल दो। हाँ आज राजा जनक के यहां बहुत बहुत दूर के सूरवीर सरदार आ रहे हैं और आइए महाराज आइए। महाराज आप कहाँ जा रहे हैं? हम हाँ सीता का स्वयंवर देखने के लिए। स्वयंवर महाराज जी कहिए। अरे इस हालत में तुम सीता का स्वयंवर का करोगे क्या? हम हाँ सीता के साथ शादी करने के लिए। तुम ये बताइए तुमने ये अपना शीशे में मुंह कितने दिन से नहीं देखा है? बोला महाराज कहिए। मेरा तो कहना ये है कि तुम सीता के स्वयंवर में मत जाओ। क्यों भाई? हम तो जाएंगे। मत जाओ। जाएंगे हम नहीं मानेंगे। जरूर जरूर। मेरा कहना ये है कि तुम बूढ़े हुए वो नौजवान आवेगी। तुम बूढ़े हुए वो नौजवान आवेगी। मर्द सी ताकत सरकार में न पावेगी। पके के रोक तुम सीख पे न चावेगी। सभी भक्त न्योछावर करें कमेठी वारे हो
बूढ़े हुए वो नौजवान आवेगी। मर्द सी ताकत को सरकार ने न पावेगी, तके गैरों को तुम इसी न पहना चावेगी। को तुम्हें सींग पे न जावेगी, और इसलिए बुढ़ापे में फदियत कर रही हो मती नहीं मानो सोया बस मिली हो फदियत कर रही हो मती कहीं मानो ओ कहीं मानो ओ कहीं मानो स्वयंवर में जियो। अरे जइयो मती राजा जइयो मती कहीं मानो ओ कहीं मानो ओ कहीं मानो स्वयंवर में जइयो। राजा जी, अरे तुम रहने दो, क्यों जा रहे हो? रहने दो क्यों, बुढ़ापे में करा रहे हो? सुन रहे हो, तुम्हारा तो महाराज वैसे ही पंखा सो चल रहे हैं। क्या हम धनुष को बगर उठाई तोड़ देंगे? तुम और तुम्हें नहीं मालूम हम बलवान कितने हैं? कितने बड़े बलवान हो? कहे तो पैर से बता से कि फोड़ दो, और जिस गली में कुत्ते घूमते हो तो उस गली का जाना छोड़ दो। अरे महाराज, तुम तो बहुत ही बड़े बलशाली हो, तुम्हारे बराबर तो कोई बलशाली नहीं देखा। ए सुनो, बोला खून बरसा खून बरसा खून बरसा मेरी तलवार से, और सोले रोटी खाता हूँ मेड़ गांगे अचारत है। जब ही महाराज फूल फूल के पेट तुम्हारा बदल गए है, ऐसा ही है रोज ऐसे मेड़ का कौन तू है? सुन रहे हो महाराज, कहिए सोला है ये तेरे नाम का इस सारे जहान में, और बीरों के छक्के छूटते हैं दस कंदर के सामने। अरे महाराज, तो हमें तो जे लग रही है बिल्कुल जाए के धन से तुम फट तोड़ते होगे, बगर उठाई तोड़ देंगे हम। हैं? हाँ वैसे बलशाली से लग रहे हो, लेकिन महाराज मेरा तो कहना यही है कि तुम न जाएं, अपने घर पे रहो, या इतने भलो कोई कामना है। आज उसी समय आइए महाराज, बड़े बड़े दूर के महारथी आ रहे हैं। आइए, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, आइए महाराज आइए पधारिए। आजा धनुष के सामने। हाँ, आइए महाराज,
महाराज धनुष को तोड़वे आए हो? हाँ, हम धनुष का देखने आए, तोड़ने आए। हाँ, तो पहले क्या करोगे? पहले आरती धनुष की। हाँ तो राजा बोले हैं, ए मंत्री कहिए, ये बताइए अब पहले क्या करना चाहिए? महाराज कहिए, पहले आरती करनी चाहिए। आरती? हाँ जी करो। ओ धनुष मेरे फूफा, तू आज टूट जाइए, जगाओ हन्नोट में तू रख जाइए। अजमाओ अपना अपना बल, पहले क्या करोगे? क्या करें महाराज, गरम होना है, गरम चलिए हो ना। स्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि भूप सहस्र दस और एक ही बारा और लगे उठा बन तरई न तारा। और लगे उठावन तरई न तारा, लगे उठावन बोल राम हरे सीता राम हरे हो राजा राम हरे Thank you.
धनुष तोड़वेगी तो बहुत बड़ी बात वो धनुष का उपहेलो तक ना आए। भूप सहस्र दस एक ही बारा और लगे उठा बन तरईन तारा। इस पर राजा जनक को बड़ी चिंता हो गई कि ये धनुष आज के स्वयंवर में रह गया। राजा जनक बोले, क्या बोले? ए मैं समझ गया कि अब उन पुरखों में तासीर नहीं है जिनकी संतान इस धनुष को तोड़ सके। जब ये लक्ष्मण ने सुनी तो लक्ष्मण बोले, क्या कहा? कि आज्ञा जगुरु की पाई जाऊं ब्रह्मांड को अब हिलाई डाले कहो सूरज चांद को निकल जाए या धनुष पुराख बनाए डारे। राजा जनक बोले, सुनो